हो गया हेलो बच्चों नमस्कार गुड आफ्टरनून स्वागत है आप सभी का रोजगार विद के चैनल पर तो बच्चे परमवीर बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है और एक हम अब स्टार्ट कर चुके हैं अर्थमेटिक अंक गणित और एक बहुत ही गजब चैप्टर के साथ जिसका नाम है औसत इंग्लिश में जिसको एवरेज भी कहा जाता है ठीक है तो दरअसल बात करें ना अर्थमेटिक की तो मैंने पूरे अर्थमेटिक को अलग अलग फैमिलीज में बांटा हुआ है देखो अगर मैं एवरेज शुरू कर रहा हूं तो एवरेज के बाद में रेशियो एंड प्रपोर्शन फिर मिक्सर एलिगेशन पार्टनरशिप ये चैप्टर होते हैं अगर मैं परसेंटेज शुरू करता तो परसेंटेज के बाद मैं प्रॉफिट लॉस करता प्रॉफिट लॉस के बाद सिंपल इंटरेस्ट फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट वगैरह ये प्रॉफिट लॉस के साथ ही ये वाली फैमिली अलग है रेशो वाली फैमिली अलग है टाइम स्पीड डिस्टेंस वाली फैमिली लगा दो तीन फैमिलीज में बांटा हुआ है तो हमने अब जो शुरू किया है वो एवरेज से शुरू किया है बच्चे एवरेज के बाद में पढ़ेंगे रेशो एंड प्रपोर्सन फिर उसके बाद में मिक्सर एलिगेशन पार्टनरशिप वगैरह ये सारे चैप्टर्स हम और टाइम एंड वर्क भी इसी के अंदर ही हम पढ़ेंगे ठीक है तो एक बहुत ही अच्छा लेवल का चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है अगर मैं कहूँ पूरे अर्थमेटिक में अगर सबसे आसान कोई चैप्टर और सबसे इंटरेस्टिंग कोई चैप्टर तो एवरेज है जिसको सीखना बड़ा आसान है क्योंकि इसमें ना सारी चीज़ें होती हैं जोड़ घटाव की और जोड़ घटाओ में तो हम इतने माहिर है कि बचपन से उसी चीज को सीखते हुए आए हैं है ना तो एक बार जुड़ेंगे सभी लोग बताएंगे क्या हालचाल है हैं नमस्कार गुड आफ्टरनून मैं अच्छा हूं भाई आप कैसे हो साउंड प्रॉब्लम चल रही है एक बार देखना रजनीश चलिए स्टार्ट करें एवरेज का बड़ा बेसिक सी थ्योरी आपको मैं पढ़ाऊंगा बहुत बेसिक सी थ्योरी उसके बाद में एक इसमें फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और उसके बाद में फिर बात खत्म अपने सवालों की तरफ हम मूव कर जाएंगे बच्चा अगर मैं बात करूं औसत एवरेज क्या टॉपिक है हमारा औसत चैप्टर नंबर वन अर्थमेटिक का एवरेज एवरेज ठीक है अब एवरेज बड़ा कॉमन सा वर्ड है जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं भाई मान लो अब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो है ना अब डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर से कहते हो डॉक्टर साहब मुझे ना मतलब पेट में दर्द है पेट खराब है या जो भी है दिक्कत है डॉक्टर आपसे कुछ आपकी नॉर्मल लाइफ की चीजें पूछता है डॉक्टर आपसे पूछता है कि भाई आ, कितने गिलास पानी पीते हो नॉर्मल पूछेगा डॉक्टर कितने गिलास पानी पीते हो तो आप आ, मान लो आपने सुबह उठे सुबह उठकर एक गिलास पानी पिया फिर दोपहर मतलब फिर ग्यारह बजे दो गिलास पिया फिर दो बजे रोटी खाने के बाद दो गिलास पानी फिर चार तो क्या आप डॉक्टर को ऐसे बताओगे कि डॉक्टर साहब मैं एक गिलास सुबह दो गिलास दो गिलास एक गिलास चार गिलास डॉक्टर कहेगा स्टैंड अप एंड आउट ऑफ माई क्लास है ना तो मतलब वो ऐसी चीज नहीं बताई जाती आप उससे डॉक्टर से कहोगे डॉक्टर साहब औसतन मैं पांच छह गिलास पानी पी लूंगा पे लेता हूँ औसतन ये वर्ड औसतन जो वर्ड है ये हम नॉर्मल लाइफ में बड़ा यूज करते हैं औसतन 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 मैं 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 मैं, मैं छह बार कॉल करता हूँ दिन में तुमने कितनी बार कॉल करी आज तक मुझे तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है उधर से आता है कि औसतन 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 मैं तुम्हें दिन में औसतन मैं तुम्हें दिन में दस बार आई लव यू बोलती हूँ तुमने कितनी बार बोला मुझे आज तक इधर से कोई जवाब नहीं जाता है तो वो एक राड के वो एक वो एक लड़ाई के कारण होते हैं हम उसकी तरफ मूव नहीं करेंगे नहीं तो यहाँ पर बहुत सारा इमोशनल सीन क्रिएट हो जाएगा लेकिन मेरा जो फोकस है वो है और... मेरा जो फोकस है ना वो औसतन वर्ड पे है किस पे औसतन वर्ड पे तो यहीं से औसत चैप्टर की शुरुआत हुई है औसतन औसत 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 ठीक है तो औसत का मतलब क्या है औसत का मतलब क्या है मान लो आपने मान लो आपने दो गिलास सुबह पानी पिया चार गिलास दोपहर में पानी पिया तीन गिलास शाम को पानी पिया और दो गिलास सोते टाइम पानी पिया अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने औसतन कितना आपने औसतन कितना पानी पिया अरे वैस करो यार औसतन कितना पानी पिया तो आप क्या करेंगे आप इन सबको जोड़ देंगे टोटल गिलास कितना पानी पिया भाई सबको जोड़ने का मतलब क्या है सबको जोड़ने का मतलब सबको जोड़ने का मतलब है कि कुल आपने कितने गिलास पानी पिया तो उसके लिए आप करेंगे दो प्लस चार छ और तीन और दो ग्यारह टोटल ग्यारह गिलास पानी पिया अब मुझे पता करना है औसतन कितना पानी पिया औसतन कितना पानी पिया तो मैं जो हमने सबको जोड़ा ग्यारह इसको मैं डिवाइड कर दूंगा एक दो तीन चार कितनी बार हमने पानी पिया चार बार तो ग्यारह बटे हमारा औसतन आ जाएगा ग्यारह बट्टे चार हमारा औसतन आ जाएगा तो इस औसतन हमारे फॉर्म चीज से ही हमारा एक फॉर्मूला जनरेट होता है औसत का औसत का एक फॉर्मूला जनरेट होता है एवरेज का एक फॉर्मूला जनरेट होता है कि औसत बराबर युग्मों का योग युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या युग्मों की संख्या है ना जैसे इंग्लिश में अगर मैं कहूं कि एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स जितने टर्म्स की बात कर रहे हैं अगर मुझे उनका औसत चाहिए तो मैं सबको जोड़ दूंगा और बटे नंबर ऑफ टर्म्स में उसे कर दूंगा ठीक है सपोज मैं आपसे कहने लगा कि आप ना आप आप, आप, आप दिन में कॉल करते हो आपने तीन बार सुबह ट्राई किया कॉल बिजी आया तीनों बार लेकिन ट्राई तो किया दो बार आपने दोपहर को ट्राई किया दोनों बार बिजी आया <laughs> चार बार शाम को किया चार बार भी बिजी आया फिर हो गए आप गुस्सा लेकिन गुस्से में भी थोड़ा सा प्यार मिला तो एक बार आपने शाम को कॉल कर दिया उस बार भी कॉल उठा लिया तो लेकिन कॉल आपने कितनी बार किया कॉल किया आपने चार बार एक बार में तीन बार कॉल किया फिर दो बार फिर चार बार इन टाइम तो बिजी आया और एक बार उठा लिया लेकिन कॉल तो किया कॉल तो किया ना तो अगर आपसे पूछे औसतन कितनी बार कॉल किया तो आप सबको जोड़ देंगे बच्चे कितना तीन प्लस दो प्लस चार प्लस एक बटे एक दो तीन चार सर जी औसत को साइड में रख दो ये बिजी क्यों आया कॉल सबसे पहले तो ये बता दो औसत औसत से मतलब नहीं है बिजी क्यों आया कॉल असली कारण तो ये है तो भैया अगर औसत निकालना है तो तीन दो पांच चार नौ और एक दस बटे कितनी बार कॉल किया मतलब कितने टाइम कॉल किया एक टाइम दो टाइम तीन टाइम चार टाइम कॉल किया तो कितना हो जाएगा तीन दो पांच चार नौ और एक दस बटे चार बार औसतन आपने कॉल किया उसे ठीक है तो यहां पर मैं यहां पे इसको रफ कर देता हूं और चीजें आपको यहां पर ये यह लिखिए औसत बराबर युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या या फिर आप इसे जनरल लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो कि औसत बरा अगर मुझे यहां से मैं युग्मों का योग आपसे पूछूं युग्मों का योग मैं आपसे पूछूं बच्चे तो आप क्या कहेंगे युग्मों का योग बराबर क्या हो जाएगा औसत औसत गुणा ये संख्या इधर आ जाएगा युग्मों की संख्या युग्मों की संख्या मैं इमोशंस के साथ नहीं खेल रहा हूं आपके वो आपका पर्सनल मैटर है मैं तो जस्ट आपको एवरेज सिखा रहा हूं ठीक है एवरेज क्या है किसी के पर्सनल इमोशंस के साथ खेलने का मेरा ना कोई इंटेंशन है ना मेरी कोई इच्छा ठीक है वो आपका मैटर है आप खुद संभालो ठीक है भाई तो यहां पर ये चीज आपको हुई क्लियर जैसे मैंने आपको कोई एग्जाम्पल दिया मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बीस तीस चालीस पैतालीस पचपन बताइए इनका औसत क्या होगा अगर इनका औसत क्या होगा जल्दी से आप मुझे बताइए तो मैं अभी आपका वार्म अप करवा रहा हूँ किसी भी रनिंग से पहले आपको वार्म अप किया जाता है ना उछल कूद की जाती है वो वार्म अप करवा रहा हूं अभी सवालों की तरफ आपको लेकर चलूंगा पीडीएफ की तरफ जल्दी से मुझे इसका औसत बताइए इसका एवरेज क्या होगा सभी लोगों से मुझे आंसर चाहिए औसत क्या होगा तो आप कहेंगे भाई अब सकवक मत करने लगना कि अगर मेरी कॉल नहीं उठ रही है तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में वायरस डाल दिया कुछ तो बात है कुछ बात नहीं हो सकता है किसी और से बात चल रही हूं मतलब किसी और से मतलब फैमिली में किसी मेंबर से बात चल रही तो वो चीज की टेंशन मतलब एवरेज पर आ जाओ तो यहां पर अगर मैं बात करूं औसत की तो मैं इन सबको जोड़ूंगा कितना आएगा बीस प्लस तीस प्लस चालीस प्लस पैतालीस प्लस पचपन ठीक है बटे कितनी संख्याओं को मैंने जोड़ा एक दो तीन चार और पांच बटे पांच कर दूंगा जितनी संख्याओं को जोड़ा भाई मैंने कहा अगर मुझे औसत चाहिए अगर मुझे एवरेज चाहिए तो औसत का मतलब है कि युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या मैंने युग्मों को जोड़ा टर्म्स को जोड़ा तो कितना मिला मुझे चार तीन सात दो नौ नब्बे तो ये मिला और ये कितना है? पांच चार नौ और एक दस सौ यह मिला तो कितना आ जाएगा बच्चे इनको जोड़कर नब्बे इनको जोड़कर सौ सौ नब्बे बटे पांच कितना जाएगा पांच पंद्रह चार पांच अट्ठे चालीस औसत कितना आ गया अड़तीस बच्चे औसत औसत का क्या मतलब है और थोड़ा सा आगे समझते हैं इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा औसत के बारे में आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा होता क्या है औसत को ना आप आप ऐसे भी बोल सकते हो औसत का मतलब अगर मैं जनरल लैंग्वेज में आपको समझाऊं शेयरिंग होता है शेयरिंग का मतलब है शेयरिंग का मतलब है कि मान लो यहां पर ना दो व्यक्ति हैं एक व्यक्ति है एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति यह है ठीक है एक व्यक्ति यह है एक व्यक्ति है व्यक्ति नहीं ये लेडी है चलो ठीक है मैंने कहा है, इसके पास ना इसके पास इसके पास इसके पास चार टॉफी हैं इसके पास चार टॉफी इसके पास कितनी है इसके पास दो टॉफी इसके पास दो टॉफी है इसके पास चार टॉफी है मैंने कहा शेयरिंग होता है औसत का मतलब शेयरिंग होता है अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो चार टॉफी वाला बंदा है ये इसको कितनी टॉफी दे दे कि औसतन सबके पास बराबर बराबर हो जाए दोनों के पास तो आप कहेंगे कि सर ये जो चार वाला बंदा है ना आप मुझे एक बात बताओ एक के पास चार टॉफी है एक के पास दो टॉफी है अगर मुझे औसतन बराबर कर अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा इसी से ही बहुत ही और वो बड़े बड़े सवालों में लगाकर दिखाऊंगा बहुत बड़े बड़े सवालों में देखना मैंने कहा इसके पास चार टॉफी है इसके पास दो टॉफी है अब इनको अगर औसतन बराबर करना है तो एक टॉफी का ट्रांसफर होगा यानी कि ये अपनी जेब से एक टॉफी इधर दे देगा तो इसके पास कितनी बचेंगी तीन टॉफी और बच्चे इसके पास कितनी हो जाएंगी? इसके पास भी तीन तो औसतन का मतलब है म्यूचुअल शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग यानी कि जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को दे देगा और देगा नहीं जब हम औसत निकालेंगे ऐसे जनरली तो आप मुझे एक बात बताओ क्या यहां पर कम वाले ने ज्यादा वाले को दिया या ज्यादा वाले ने कम वाले को दिया ज्यादा वाले के पास बहुत ज्यादा हिस्सा था उसने अपना एक टॉफी और इसको दे दिया दो वाले को तो कम वाले का तो बढ़ गया और ज्यादा वाले का थोड़ा सा कम हो गया अब इस चीज को मैं समेटकर एक लाइन में लिखता हूं उससे आपको अच्छे समझ में आएगा इस चीज को समेटकर लिखता हूं कि दी गई संख्याओं का औसत दी गई संख्याओं का औसत दी गई संख्याओं का औसत औसत हमेशा दी गई संख्याओं का औसत हमेशा सबसे बड़ी सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच में होता है के बीच में होता है होता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में होता है आपको कितनी भी संख्याओं का औसत निकालने को बोला जाए कितनी भी संख्याओं का औसत निकालने को बोला जाए अगर आपसे कहे अगर आपसे कहे कि इनका एवरेज बताओ तो एक चीज दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए कि इनका औसत तो सबसे बड़ी संख्या से तो छोटा होगा और सबसे छोटी संख्या से बड़ा होगा जैसे मैंने यहां पर कोई संख्या लिखी मैंने लिखी पंद्रह मैंने लिखी बीस मैंने लिखी अट्ठारह मैंने लिखी बारह मैंने लिखी चालीस बच्चे मैंने कहा इन संख्याओं का एवरेज बताओ एवरेज बताना नहीं है सामने देखो सामने देखो मैंने कहा इनका एवरेज बताना है तो यहां पर स्टेटमेंट लिखा है कि दी गई संख्याओं का औसत हमेशा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में होगा तो एक चीज आपको क्लियर है कि भैया औसत 12 से तो बड़ा होगा और सबसे बड़ी संख्या यानी के 40 से छोटा होगा एवरेज ना तो 40 से ऊपर जाएगा ना 40 होगा एवरेज ना तो 40 होगा ना 40 से ज्यादा होगा एवरेज ना तो 12 होगा और ना 12 से कम होगा एवरेज हमेशा 12 और 40 के बीच में रहेगा क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग है 40 वाला कुछ अपने पास से डोनेट करेगा 12 वाले के पास जाएगा कुछ मतलब आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो पॉइंट यहां से आपको क्लियर हुआ कि एवरेज औसत हमेशा बहुत बड़े बड़े सवालों में लगाकर दिखाऊंगा आपको इनको मैं कि औसत हमेशा सबसे बड़ी संख्या से तो कम होगा और सबसे छोटी संख्या से ज्यादा होगा इस स्टेटमेंट के द्वारा हमने ये चीज क्लियर की आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि हमारे देश की सबसे पहली जो आय जो डेली वेज पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय पता नहीं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में पर कैपिटा इनकम जो कैलकुलेट की थी वो कितने रुपए थी और किसने की थी थोड़ी सी जीएस आपने पढ़ी होगी किसने बीस रुपए कैलकुलेट की थी ना किसने की थी बताइए उस बीस रुपए प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब था दादा भाई नौरोजी ने की थी ना दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले बताया था कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम वो बीस रुपए है उसका क्या मतलब है दादा भाई नौरोजी क्या ये कहना चाहते थे क्या दादा भाई नौरोजी ने हमारे देश के हर व्यक्ति के जेब में जाकर देखा था तेरी जेब में कितने रुपए तेरी जेब में कितने रुपए तेरी जेब में कितने रुपए सबकी जेब में बीस बीस रुपए निकले थे जी नहीं हुआ क्या था कि भाई उस टाइम पर हो सकता है कोई बंदा बिल्कुल ना कमाता हो कोई एक रुपया कमाता हो कोई दो रुपया कमाता हो किसी के पास उस टाइम पर लाखों रुपए हो करोड़ों रुपए हो तो करोड़ों रुपए वाले की भी इनकम बीस रुपए थी एवरेज दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था कि हर व्यक्ति का डाटा लिया गया कि कौन यहां पर बेरोजगार है कौन एक रुपए कमाता है कौन दो रुपए कौन लाखों रुपए कमाता है सबकी आय को जोड़ा गया और बटे कितने लोग थे सबको बटे कर दिया यानी कि सबकी आय को जोड़ा एक रुपए वाले बंदे की दो की तीन की लाखों वाले की बंदे की आय को जोड़ा और कितने व्यक्ति की आय को जोड़ा जा रहा है उनसे डिवाइड कर दिया तो आंसर निकल के आया बीस रुपया बीस रुपया निकल के आया वो बीस रुपया दादा भाई नोर ने कहा कि ये हमारे देश की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय है ठीक है तो वहां से उन्होंने बताया सबकी इनकम को जोड़ा बटे कितने लोगों की इनकम की जा रही है वो कर दिया तो एवरेज का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया यहां से बस ये लाइन आप स्पेशल फोकस रखेंगे चलते हैं अपने अपने पीडीएफ की तरफ है ना अपनी पीडीएफ की तरफ चलते हैं चले पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा बहुत बेसिक चीज से स्टार्ट करूंगा बच्चे बहुत बेसिक से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको करा दूंगा बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है अर्थमेटिक तो गजब का ही सीख जाओगे आप इस बात की गारंटी आपको मैं ले बिल्कुल गजब का यहां पर टॉपिक में चलेंगे उसने कहा पैंतीस उनतालीस इकतालीस छियालीस सत्ताइस और एक्स का औसत कितना है अड़तीस है तो एक्स का मान ज्ञात करो क्या होगा अब जैसे सवाल आपने देखा आपको पता चला कि औसत का मतलब क्या होता है भाई मैं इन संख्याओं को जोड़ दूं बटे कितनी संख्या है वो कर दूं और उसके बराबर 38 हो जाएगा वहां से आप x का मान बड़े आराम से निकाल लोगे बच्चे औसत का क्या मतलब है आप इन सबको जोड़ो आप इन सबको जोड़ो जोड़ेंगे तो पांच और नौ चौदह चौदह एक पंद्रह पंद्रह और छह इक्कीस इक्कीस और सात अट्ठाईस हासिल का दो तीन और तीन छ छह और चार दस दस और चार चौदह चोध चौदह दो सोलह दो अठारह एक सौ अट्ठासी प्लस एक्स ये तो योग हो गया और संख्या कितनी है एक दो तीन चार पांच और छह बटे छह कर देंगे भाई औसत का क्या मतलब है मैंने संख्याओं को जोड़ा और बटे कितने संख्या ये किसके बराबर दिया हुआ है ये उसने दिया हुआ है अड़तीस के बराबर तो यहां से उधर जाएगा गुणा हो जाएगा तो कितना, कितना, कितना होगा एक्स की वैल्यू आ गई चालीस बिल्कुल करेक्ट आपने कर दिया ठीक है तो आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही जवाब होगा चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये जल्दी से बता दो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा बेसिक से क्वेश्चन और ये आपको मैं बता दूं कि ये एसएससी जीडी 2019 का आया हुआ सवाल है हाँ एसएससी जीडी 2019 का आया हुआ सवाल है ये चार सो दस चार सो पिछहत्तर पांच सौ पच्चीस पांच सौ साठ सात सौ बीस का औसत क्या होगा एवरेज क्या होगा जल्दी से बताओ भाई इनको जोड़ दो तो एक चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए सबसे छोटी संख्या 410 और सबसे बड़ी संख्या कितनी है 720 एवरेज मेरा 410 से तो बड़ा होगा और 720 से छोटा होगा यह बात आपको क्लियर है कि एवरेज मेरा एवरेज मेरा 410 से बड़ा होगा और 720 से छोटा होगा बिल्कुल क्लियर है ये बात तो भाई इनको जोड़ लो आप पांच और पांच दस दस का जीरो हासिल का एक एक सात और एक आठ आठ दो दस दस और छह सोलह सोलह दो अठारह और एक उन्नीस हासिल का एक चार चार आठ पांच तेरह तेरह और पांच अठारह और सात पच्चीस और एक छब्बीस छब्बीस सौ नब्बे बटे कितनी संख्या है पांच संख्या है बटे पांच कर देंगे कितना आएगा पांच पूरे पच्चीस एक पांच तिया पंद्रह चार पांच अट्ठे चालीस कितना आया शेर कितना आया जवान पांच सौ अड़तीस ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से मुझे बताएंगे थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया धीरे धीरे बढ़ाऊंगा लेवल आप चाहे कितना भी भला बुरा मुझे कहें कि गुरु जी क्या करवा रहे हो ये करवा रहे हो वो करवा रहे हो मैं सुनूंगा ही नहीं मैं अपने हिसाब से चलूंगा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा उस बच्चे से स्टार्ट करूंगा जिसने मुझसे उम्मीद करी है कि मैंने पहली बार मैथ उठाया और यहां से सीखूंगा और उस बच्चे तक ले जाऊंगा जो हर जगह धक्के खा के आया है कि मुझे मैथ यहीं से सीखना है हर बच्चे के हिसाब से चलूंगा और एक एक चीज क्लियर होंगी आप प्रीवियस ईयर बुक उठाकर देख लो जिस बच्चे ने नंबर सिस्टम एलसीएम पढ़ा है ना यहां से वो किसी भी बुक को उठाकर सॉल्व कर रहा होगा एक एक सवाल सॉल्व हो रहा होगा एक एक सवाल चाहे वो प्रीवियस ईयर हो चाहे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो चाहे वो कोई सा भी सवाल हो यहां पर सवाल देखेंगे उसने कहा अट्ठारह सत्ताइस और एक अन्य संख्या तीसरी संख्या में नहीं पता कौन सी वो संख्या है वही तो निकालनी है उसने कहा अठारह 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत तीस है बच्चे कितनी संख्याओं की बात कर रहा है वो कितनी संख्याओं की बात कर रहा है वो कर रहा है एक संख्या दो संख्या और एक अन्य तीसरी संख्या कितनी संख्या हो गई टोटल हो गई तीन उसने कहा अठारह सत्ताईस और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत तीस है मैंने आपसे कहा योग बताओ कितना होगा उसने कहा औसत तीस मैंने कहा योग कितना तो आपका आंसर क्या आएगा आपका आंसर कितना होगा उसने कहा अठारह सत्ताईस एक अन्य तीसरी संख्या का औसत तीस है मैं आपसे पूछता हूं उन संख्याओं का योग कितना होगा तो आप मुझसे कहेंगे कि सर वो बात कर रहा है तीन संख्याओं की औसत उसने तीस दिया हुआ है तो मुझे आपने बताया सर कि योग अगर मुझे किसी संख्याओं का निकालना है तो मैं औसत को मैं एवरेज को संख्या युग्मों की संख्या से गुणा कर देता हूं युग्मों की संख्या से गुणा कर देता हूं भाई एवरेज तो मुझे तीस दिया हुआ है एवरेज तो मुझे तीस दिया हुआ है और कितनी संख्या है तीन संख्या है मैं तीन से गुणा कर दूंगा मेरे सैनिक आंसर आएगा नब्बे ये तो योग है तीन संख्याओं का ये तो योग है तीन संख्याओं का औसत था तीस संख्या है तीन अब तीसरी संख्या मुझे नहीं पता मैंने उसको ए मान लिया तो बच्चे अब योग अगर मैं करूंगा तो अठारह प्लस सत्ताईस प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा नब्बे के तो अट्ठारह और सत्ताइस आठ सात पंद्रह दो तीन और एक चार पैतालीस प्लस ए बराबर नब्बे तो यहां से अगर मैं वो तीसरी संख्या निकालू तो नब्बे माइनस पैतालीस वो तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी फोर्टी आ जाएगी और आप हो जाएंगे खुश कि आपका आंसर सही है लेकिन लेकिन भी ठीक है आपका आंसर ऐसे कैसे चौक गए कि सर ने लेकिन कहा तो आंसर गलत हो जाएगा लेकिन भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है परेशान मत हो कितना बिल्कुल सही है आपका आंसर 45 ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा चौदह इकतीस एवं एक अन्य संख्या का औसत है तो तीसरी संख्या क्या होगी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है रजनी से साइड करना एक सेकंड सेम क्वेश्चन है बच्चे कुछ नहीं है सवाल में आपने जस्ट करना है चौदह इकतीस एवं एक अन्य संख्या यार वो अन्य संख्या ए मान लो कितनी संख्या कही उसने तीन संख्या कही एक संख्या दो संख्या तीन संख्या और औसत है तीस अगर तीन संख्याओं का औसत तीस है तो सैनिक उनका योग कितना होगा तीन संख्याओं हो का योग हो जाएगा तीस गुणा तीन यानी कि तीन संख्याओं का योग हो जाएगा नब्बे अब आप तीन संख्या को जोड़ लो चौदह प्लस इकतीस प्लस ए बराबर नब्बे कितना होगा चार और एक पांच तीन और एक चार प्लस ए बराबर नब्बे ये वही था सवाल क्या नहीं वही नहीं था ठीक है तो यहां पर ए बराबर कितना आ गया नब्बे माइनस पैतालीस यानी कि इस बार भी पैतालीस और इस बार भी आप खुश हो जाओगे कि यार इस बार तो हम बिल्कुल ठीक हैं और आप बिल्कुल ठीक रहोगे इस बार भी ठीक है तो ये आसान सवाल था आसान सवाल था बिल्कुल इस पर आ जाओ इस पे कौन सा ऐसा सैनिक है जो इसका आंसर मुझे बिल्कुल सही देगा ये डिसाइड मत करो कि ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं या नहीं आते मैं आपको यहां पर यह चीज दिखाने नहीं आ रहा हूं कि यह सवाल एग्जाम में आएगा मैं यहां पर आपको गणित सिखाने आया हूं तो चुपचाप सीखो गणित को वो चीज हम बाद में डिसाइड करेंगे कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है आप पहले दिन पहले सवाल को यह कह रहे हो कि सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई मैथ को सीखो पहले वो चीज बाद में देखना कि क्या आता है क्या नहीं आता पहले उस लेवल तक तो पहुंचो कि जो आता है आप उसे कर पाओ है ना वो चीज सीखनी बहुत जरूरी है भाई आपका घर बनना शुरू होता है है ना घर बनवा रहे हो आप अपने पापा से जिद पे अड़ गए पहले दिन ही आपने मिस्त्री बुलाया पापा मैं तो अपना कमरा तीसरी मंजिल पर रखूंगा मैं तो अपना कमरा तीसरी मंजिल पर रखूंगा मैं तो अपना कमरा शादी के बाद तीसरी मंजिल पर रखूंगा पापा ने घुमा के चाटा मारा अबे बेवकूफ पहले नींव तो रख जाने दे तभी तो तेरा कमरा बनेगा या पहले सेटरिंग लगाकर और ऐसे लेंटर से पहले तेरा कमरा तीसरी मंजिल पे तुझे चढ़ा दे तीसरी मंजिल पे पहले नींव रखने दे पहले नीचे से बनकर जाने दे तभी तो ऊपर जाएंगे तेरा कमरा तीसरी मंजिल पे बनेगा तो वही बात है पहले नींव रखो तभी तो पता चले एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते है ना तो यहां पर उसने कहा जीरो दो चार द्वारा बनी वृहत्तम वृहत्तम यानी के सबसे बड़ी और लघुत्तम यानी के सबसे छोटी और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने कही है तीन अंकों की संख्या उसने कही है तीन अंकों की संख्या तो अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी तीन अंकों की संख्या तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखो चार फिर उससे छोटी संख्या दो और फिर जीरो अगर मैं बात करूं सबसे छोटी संख्या तो आप कहेंगे कि सबसे पहले जीरो को लिखो फिर दो को लिखो फिर चार को लिखो तो आपका आंसर क्या होगा भैया क्या ये तीन अंकों की संख्या लिखी है आपने गौर करो जरा इस पर आगे बढ़ने से पहले गौर करो यहां पर यहां पर गौर करो क्या जो जीरो दो चार आपने लिखा है क्या ये तीन अंकों की संख्या है जीरो दो चार क्या तीन अंकों की संख्या अरे सर ये तो दो अंकों की रह गई है ना भाई जीरो दो चार का मतलब चौबीस ये तो दो अंकों की रह गई और उसने तो तीन अंकों की कहा है यानी कि सबसे बड़ी गलती आपने कर दी कि जब आप छोटी संख्या निकालने गए तो आपने जीरो दो चार को लिखा और बुद्धि का प्रयोग किए बिना ही औसत निकाल लिया लेकिन आप भूल गए कि उसने तीन अंकों की संख्या कहा है तो जीरो दो चार छोटी संख्या नहीं होगी तो फिर सर क्या होगी तो आप करेंगे क्या इस जीरो को रिप्ले सॉरी जीरो को एडजस्ट करेंगे दो के बाद दो को पहले रख दो जीरो को बाद में और चार को यहां पर यह है तीन अंकों की छोटी संख्या यह है तीन अंकों की छोटी संख्या अब आपके पास दो संख्या आ गई 420 और 204। बच्चे एवरेज निकालना है दोनों को जोड़ दो बस यही था यही कॉन्सेप्ट था इस सवाल में और बटे दो कितना होगा 624, 624 बटे दो आपका आंसर आ जाएगा 312। सौ बारह कितना आंसर आएगा बच्चे आपका आंसर आएगा तीन बारह बिल्कुल सही जवाब है आप लोग क्या कर रहे थे आप लोग कर रहे थे चार बीस प्लस यहां पर चौबीस कितना आ गया चार चवालीस बटे दो आंसर आ रहा था दो सौ बाईस और खुश होकर लगा दिया गुरु जी बड़ा आसान सवाल था ये तो बड़ा आसान सवाल था ये तो है ऐसे कैसे आसान सवाल था ऐसे कैसे आसान सवाल था भैया आसान सवाल तो तब बनता जब आप तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाते आप कह रहे हो सर जी 240 हो सकता है भाई आप लिख दो 240 उसने छोटी संख्या कहा छोटी संख्या 204 होती है या 240 होती है भाई छोटी तो 204 होती है तो 240 को आप नहीं ले सकते हो इसीलिए दो नहीं लिया क्योंकि वो बड़ी है दो से 204 से बड़ी है ठीक है तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे 312। अगले सवाल पे चलते हैं और यह सवाल आया घुमाकर घुमाकर बाउंसर आई है ये बाउंसर आई है घुमाकर जैसे कल बाउंसर नहीं ये क्लीन बोल्ड है जैसे कल लास्ट में वैसे ही पाकिस्तान की दुर्गति हो रही थी बैटिंग में आए अर्शदीप जी उनके और में छक्का लगा लास्ट के में खुश हो गए पाकिस्तान वाले शोर मचा रहे हैं मतलब सीनाएं भी उड़ रही हैं उनकी वहां पर ग्राउंड में कि छक्का लगा दिया लास्ट में छक्का लगा दिया अर्थ अर्शदीप जी ने घुमाकर बॉल मारी बीच की उखाड़ कर फेंक दी लो ले जाओ अपने जश्न को अपने घर ठीक है तो यह वही चीज है अब आ गया क्लीन बोल्ड वाला सवाल करके बताओ जल्दी से मुझे इस सवाल को क्या आंसर होगा क्या होगा आंसर बताएंगे तीन की पावर साठ तीन की पावर साठ तीस साठ और नब्बे इनका औसत क्या होगा और यह सवाल बड़ा परेशान करता है वही तरीका लगेगा योग बटे संख्या क्या लगेगा योग बटे संख्या बिल्कुल सही जवाब मुझे आपका मिलना चाहिए क्या होगा सभी लोग बताएंगे आप कहेंगे सर तीन की पावर तीस प्लस तीन की पावर साठ प्लस तीन की पावर नब्बे पावर को जोड़ दो नौ छह पंद्रह तीन अठारह तीन की पावर एक सौ अस्सी बटे कितना तीन तो तीन से कट जाएगा साठ और पता नहीं कौन सी दुनिया का तो आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो कौन सी दुनिया का तो पता नहीं तुम कॉन्सेप्ट लगा रहे हो यार तुमने ऐसे कैसे पावर को जोड़ दिया पावर को ऐसे कैसे जोड़ दिया तुमने पूरा नंबर सिस्टम घुमा कर लाए तुम्हें इसीलिए मैं पूरा नंबर सिस्टम घुमाकर लाए ये ये दिन देखने के लिए ये दिन देखने के लिए पूरा नंबर सिस्टम घुमा कर लाया हूं कि जब भी आपसे कहे इन तीन संख्याओं का योग तो ये ऐसे आएंगी तीन की पावर तीस प्लस तीन की पावर साठ प्लस तीन की पावर नब्बे क्या जब संख्या प्लस में होती है उनकी पावर कब जुड़ती है यार उनकी पावर कब जुड़ती है ए की पावर एम गुणा एक की पावर एन पावर जुड़ती है जब बीच में गुणा का साइन हो पावर आपने प्लस के साइन में ही पावर को जोड़ दिया के साइन में पावर को जोड़ दिया भूल गए उन जज्बातों को जहां मैं आपको लेकर गया था उन वादों को भूल गए जो आपने मुझसे किया था कि सर नंबर सिस्टम का सवाल गलत नहीं होगा कहां गई वो तुम्हारी कसमे बड़े धोखेबाज निकले तुम तो यार है ना गलत है ना पावर कब जुड़ती है जब बीच में जैसे मैंने कहा दो अगर ये ऐसे होता तीन की पावर तीस गुणा तीन की पावर साठ अब जुड़ती ये पावर बीच में गुणा का साइन है तो तीन की पावर नब्बे आपने यहीं पर ये कॉन्सेप्ट लगा दिया आपने किया गलत आपने किया गलत तो करना क्या था तीन की पावर तीस तीन की पावर साठ तीन की पावर नब्बे का औसत निकालना है ना तो इनको जोड़ना था बच्चे मैंने इनको जोड़ा और जोड़कर कितनी संख्या है एक संख्या दो संख्या तीन संख्या बटे तीन कर दिया अब बटे तीन है मैं इस तीन को ना ऊपर से एक तीन कॉमन ले लो बच्चे इसको आप लिख सकते हो तीन की पावर एक गुणा तीन की पावर उन्तीस है ना भाई तीस को लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं तीन की पावर एक गुणा तीन की पावर उन्सठ प्लस इसको लिख सकते हैं तीन की पावर एक गुणा तीन की पावर नवासी अलग अलग कर दिया बटे तीन था अब ये तीन कॉमन आ जाएगा तीन अगर कॉमन आ गया बचेगा क्या तीन की पावर उन्तीस प्लस तीन की पावर उनसठ प्लस तीन की पावर नवासी और बटे तीन तो था ही तीन से तीन गया औसत कितना आ गया तीन की पावर उन्तीस प्लस तीन की पावर उनसठ प्लस तीन की पावर नवासी औसत आ गया ये और आपका आंसर हो जाएगा ये ना कि ये इतना आसान था लेकिन आपने तो तीन की पावर साठ पता नहीं दुनिया का कौन सा कॉन्सेप्ट आपने लगाया कि आपने तीनों पावर को जोड़ दिया अरे ये ये बीच में प्लस का साइन है नंबर सिस्टम आपसे चिल्ला चिल्ला कहता है पावर तब जुड़ती हैं जब बीच में गुणा का साइन हो है ना बात हो गई क्लियर बात हो गई क्लियर कि तीनों संख्याओं को जोड़ा बटे तीन कर दिया क्योंकि तीन संख्याओं को आप जोड़ रहे हो तो एक संख्या दो संख्या तीन संख्या मैंने तीन की पावर तीस को लिखा तीन की पावर एक गुणा तीन की पावर उन्तीस एक एक तीन को अलग निकाल लिया ऐसे ही साठ को लिखा एक और उनसठ में ऐसे ही नब्बे को लिखा एक और नवासी में अब जो ये तीन था इस तीन को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर ये बचेगा तीन से तीन खत्म एवरेज आ जाएगा आपका ये ओके okay? चलो तीन की पावर तीस को कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं है बच्चे मुझे ये जो नीचे का तीन है ना ये गायब करना है जो नीचे का तीन है ये गायब करना है मुझे तो एक तीन ही कॉमन लेने से काम चल जाएगा ये सवाल करेंगे जल्दी से क्या उत्तर होगा सभी लोगों का आंसर मुझे मिलना चाहिए क्वेश्चन का लेवल मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस लेवल का सवाल आप पढ़ चुके हो जो इससे पहले वाला सवाल है ना तीन की पावर साठ साठ नब्बे बहुत बड़े बड़े धुरंधर इस सवाल में मार खा जाते हैं गलती आपकी नहीं है आपने जो इसका आंसर तीन की पावर साठ दिया है ना बहुत बड़े बड़े धुरंधर इसका आंसर वही देते हैं टेंशन मत लो लेकिन आज के बाद में आप इसका सवाल का आंसर गलत नहीं दोगे सवाल है यदि एक्स वाई और वाई जेड का औसत के बीच अंतर बारह है तो एक्स और जेड के बीच अंतर क्या होगा भाई एक्स और वाई का औसत बताओ मुझे क्या है अगर मैं आपसे कहूं एक्स और वाई का औसत है बच्चे दोनों को जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई और दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो बटे दो x और y का औसत यही होगा ना मैंने आपसे कहा y और z का औसत बताओ तो आप कहेंगे सर y और z का औसत है y प्लस z दो। अब एक बार सवाल की तरफ देखो थोड़ा सा टेढ़ी निगाह से देखो थोड़ा सा निगहा चुरा कर देखो सवाल ने कहा यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर तो एक्स वाई का औसत हो गया ये वाई जेड का औसत हो गया ये अब इनके बीच का अंतर बारह है तो अंतर निकालने के लिए माइनस का साइन लगा दूंगा और बराबर बारह बराबर बारह कर दूंगा कोई दिक्कत आपको नहीं है आगे चलते हैं आगे चलते हैं उसने कहा कि बेस अगर बराबर है बेस अगर बराबर है तो बच्चे ऊपर की संख्याओं को डायरेक्ट आप ऑपरेट कर सकते हो तो कितना होगा एक्स प्लस वाई बीच में माइनस का साइन है और वाई प्लस जेड भाई क्योंकि बेस बराबर था बटे दो बराबर कितना है बारह ये दो उधर चला जाएगा तो कितना होगा एक्स प्लस माइनस अंदर जाएगा माइनस वाई माइनस जेड बराबर बारह दूनी चौबीस बच्चे देखो प्लस वाई से माइनस वाई गया तो एक्स माइनस जेड बराबर कितना आ गया एक्स माइनस जेड आ गया ट्वेंटी फोर सवाल में देखो आपसे पूछा क्या है सवाल में देखो तो जरा आपसे पूछा क्या है उसने कहा एक्स और जेड के बीच अंतर मेरे भाई एक्स और जेड के बीच अंतर तो आप निकाल चुके हो एक्स और जेड के बीच अंतर तो आप निकाल चुके हो आपने क्या किया एक्स और वाई का औसत लिखा वाई और जेड का औसत लिखा उनके बीच का अंतर बारह था मैंने माइनस का साइन लगा दिया मुझे पता चला बेस बराबर है तो मैंने प्लस वाई, वाई प्लस जेड ये दो उधर गया चौबीस बना दिया x प्लस वाई माइनस अंदर जाएगा माइनस वाई माइनस जेड इससे ये गया x माइनस जेड क्या मिल गया x माइनस जेड मिल गया मुझे ट्वेंटी फोर बिल्कुल करेक्ट आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे अब मैं आपको सिखाता हूं क्रमागत संख्याओं के बारे में कुछ बात करते हैं थोड़ी सी बात करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है याद रखोगे जिंदगी भर क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना कहीं से सीखा था क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनको बोलते हैं क्रमागत संख्याएं लिखेंगे आप तब तक मुझे टाइप करके बताओ क्रमागत संख्या होती क्या है क्रमागत संख्याएं क्रमागत संख्याएं यानी के कॉन्जिक्यूटिव नंबर कॉन्जिक्यूटिव Numbers. जैसे आपके जिंदगी में परेशानियां आती हैं क्रमागत रूप से आती हैं या रुक रुक कर आती हैं आपका गुरु जी क्रमागत रूप से आती हैं एक गई नहीं दूसरी टेंशन आ गई एक गई नहीं दूसरी टेंशन आ गई -San -Sand -Sand इसका मतलब क्या है कि एक टेंशन खत्म होते ही अगली टेंशन तैयार एक टेंशन खत्म होते ही अगली टेंशन तैयार है ना दसवीं करी बारहवीं की टेंशन बारहवीं की ग्रेजुएशन की टेंशन ग्रेजुएशन की नौकरी की टेंशन नौकरी ली शादी की टेंशन अब वो टेंशन तुम्हारी अपने आप झेलो मेरा मतलब है आपको बताने का कि एक के बाद एक एक के बाद एक यानी के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो संख्याएं जिनके बीच दो संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो जिन दो संख्याओं के बराबर वाली संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो वो हमारी क्रमागत संख्याएं यानी के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जैसे मैं आपसे कहूं मैंने यहां पर लिखा दो तीन चार पांच छ क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? तो आप मुझसे कहोगे कि सर चेक करना पड़ेगा चेक कैसे करेंगे डिफरेंस को देखकर दो संख्याओं के डिफरेंस जैसे बराबर वाली संख्याएं देखी दो और तीन का डिफरेंस एक तीन और चार का डिफरेंस एक चार और पांच का डिफरेंस एक पांच और छह का डिफरेंस एक सर दो बराबर वाली संख्याओं का डिफरेंस सेम है तो ये तीन चार पांच छह संख्या ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी ओके आगे चलते हैं मैंने यहां पर कोई संख्या लिखी मैंने लिखी पांच सात नौ ग्यारह तेरह भाई मुझे बता दो क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं यस और नो में जवाब मिलना चाहिए केवल केवल आपका जवाब यस और नो में आना चाहिए कि पांच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं क्या ये कर्मागत संख्याएं हैं यस और नो तो आप देखेंगे सर डिफरेंस दो का 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 सर डिफरेंस है बराबर तो संख्या हो जाएंगी कर्मागत एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपसे पूछता हूं मैंने लिखा मैंने यहां पर लिखा तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस इक्कीस मुझे बता दीजिए क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं जल्दी से बता दो क्या जो संख्या मैंने लिखी ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ये सर नो में जल्दी से जवाब दो स्पीड 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 बननी चाहिए यस सर ये भी क्रमागत है और आप हो जाओगे गलत क्योंकि तो आपने डिफरेंस शुरू की तीन चार संख्याओं का चेक किया बीच में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बदल दिया तो आप देखेंगे तीन और पांच का डिफरेंस दो पांच सात का दो सात नौ का दो नौ ग्यारह का दो ग्यारह तेरह का दो तेरह सत्रह का डिफरेंस चार है बाकी दो दो है कोई दिक्कत नहीं है मुझे पता था मेरे सैनिक यहीं तक देखेंगे दो तीन तक मुझे पता था मेरे सैनिक दो तीन तक देखेंगे बस बीच में मैंने बदल दिया उसको तो अगर एक भी संख्या डिफरेंस से आउट हो गई अगर एक भी संख्या डिफरेंस से आउट हो गई तो यह सारा का सारा सेट किएगा की श्रेणी में नहीं आएगा सारा सारा का सेट सारा की श्रेणी में नहीं आएगा अब मैं कुछ यहां पर लाइन लिखने वाला हूं कि क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं बाकी तो बहुत सारे आपको रूल दिए मतलब बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं मैं जो जनरली आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो मैं बता रहा हूं जैसे मैं कहूं पहला पॉइंट लिखेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याएं प्रथम एन फर्स्ट एन नंबर्स। लिखेंगे, first, एन, एन प्राकृतिक संख्याएं ये क्रमागत होती है भाई कहां से शुरू होती है एन प्राकृतिक संख्याएं कहां से एक से जैसे एक दो तीन और ऐसे करके ये इंफानाइट टाइम्स तक जाएंगे फिर क्या होता है प्रथम प्रथम एन होल नंबर पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं ये कहां से शुरू होते हैं जीरो से एक दो तीन और ये भी इंफार नाइट टाइम्स तक जाएगा लेकिन पूर्ण संख्याएं हमारी जीरो से शुरू होती है अरे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के ठीक है बाकी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग घनों का योग ये सब ये ये सब ये सब हमारे कॉन्जिक्यूटिव नहीं है ये सब कॉन्जिक्यूटिव अलग केस है ये मैंने कहा जिनका डिफरेंस बराबर है तो ये दो चीज़ आप लिखेंगे, और लिखेंगे लिखना चाहो तो प्रथम एन संख्याएं इवन नंबर संख्याएं ये भी हमारी क्रमागत होती हैं जैसे जीरो सॉरी हाँ जीरो से ही शुरुआत है जीरो दो चार छ आठ इस तरीके से प्रथम एन प्रथम एन विषम संख्याएं विषम संख्याएं क्या है भाई प्रथम एन विषम संख्याएं जैसे एक तीन पांच सात और ये इन्फाइट ऐसे चलता जाएगा इंफानाइट तक नहीं ये ऐसे यह जाएगा टू एन तक टू एन तक ये जाएगा टू एन प्लस वन तक टू एन प्लस वन तक ठीक है अब मैं आपसे पूछता हूं अब मैं आपसे पूछता हूं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यहां पर मैं इसको ऐसे खिसका के कर देता हूं मैं आपसे कहता हूं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूं प्रथम एन प्रथम एन बच्चे क्या ये हमारे क्या ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव है यस और नो क्या ये कॉन्जिक्यूटिव एन मतलब कुछ भी एन का मतलब वो कहेगा प्रथम तेरह प्रथम बीस प्रथम पच्चीस प्रथम साठ एन का मान कुछ भी हो सकता है प्रथम कहेगा प्रथम सौ प्राकृतिक संख्या हो, तो का मान सौ है ना तो अब आप मुझे बताओ प्रथम एन अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर से क्या वो कॉन्जिक्यूटिव क्या वो क्रमागत होते हैं यस और नहीं सर क्यों क्रमागत जो हमारे अभाज्य संख्याएं होती हैं वो दो से शुरू होती हैं फिर तीन होता है फिर पांच होता है फिर सात होता है फिर ग्यारह भैया डिफरेंस तो सेम नहीं जा रहा है डिफरेंस सेम नहीं जा रहा है तो ये कॉन्जिक्यूटिव की श्रेणी में नहीं आएंगे क्या बिल्कुल भी नहीं आएंगे तो अब तक तो हमने सीखा कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं अब हम सीखेंगे क्रमागत संख्याओं का एवरेज औसत क्रमागत संख्याओं का कैसे निकाला जाता है टॉपिक डालेंगे किरमागत संख्याओं का औसत टॉपिक डालेंगे कि एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इंग्लिश वाले लोग क्रमागत संख्याओं का औसत बच्चे क्लास अच्छी लग रही हो ना तो एक बार लाइक जरूर कर देना वही मेरा मोटिवेशन है बस किगत संख्याओं का औसत एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे करेंगे एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूट बड़ा प्यारा तरीका है दो तीन तरीके हैं अल्टीमेट तोड़ तरीके हैं बिल्कुल बहुत गजब के क्रमागत संख्याओं के तो यहां पर जैसे मैंने आपसे कहा क्रमागत संख्याएं मैंने कुछ क्रमागत संख्याएं लिखी मैंने यहां पर बच्चे मैंने लिखी यहां पर तीन पांच सात नौ ग्यारह ये पांच संख्या है मैं आपसे कहूंगा क्या ये क्रमागत है मैं आपसे कहूंगा क्या ये क्या ये क्रमागत है बताइए यस yes, सर क्योंकि यहां पर डिफरेंस यहां पर डिफरेंस ना सेम है तीन पांच का दो पांच सात का दो सात नौ का दो नौ ग्यारह का दो है ना तो अब मैं आपसे कहूंगा इनका एवरेज बताओ बेसिक जो बेसिक आपने अभी तक सीखा बच्चे जो बेसिक आप सीखते आए हो ना उसी से एवरेज बताओ जो बेसिक आप सीखते आए हो बेसिक आपने सीखा कि सर सबको जोड़ देंगे कितना तीन प्लस पांच प्लस सात प्लस नौ प्लस ग्यारह सबको जोड़ दिया और पांच बटे कर दिया भाई योग बटे संख्या बेसिक तो हम यही सीखते हुए आए हैं कि नहीं ये तरीका नंबर एक है यूनिवर्सल तरीका जो हमने सीखा अभी तक कि किसी भी संख्याओं का योग अगर मुझे निकालना है सॉरी औसत निकालना है तो मैं उनको जोड़ दूंगा बटे कितने में युग्मों को टर्म्स को जोड़ रहा हूं बटे कर दूंगा तो पांच तीन आठ सात पंद्रह और नौ चौबीस चौबीस और ग्यारह कितना होता है चौबीस और ग्यारह पैंतीस बटे पांच एवरेज जा आ जाएगा सात भाई औसत कितना आ गया एवरेज आ गया सात लेकिन यह तरीका हम क्रमागत वाले केस में अवॉइड करेंगे

पॉइंट बनाकर लिख लेंगे कि किर्मागत, का एवरेज बिल्कुल वाली संख्या होगी बिल्कुल बीचो बीच होगा बीच हो ऐसे आप लिख लो कि किरमागत संख्याओं का औसत बिल्कुल बीचो बीच बिल्कुल सेंटर वाली संख्या होनी चाहिए अब आप यहां पर गए एक सेंटर वाली संख्या को ढूंढने एक सेंटर वाली संख्या को ढूंढने आपको मिली ये सात भाई सात वो संख्या है जिसके इधर भी दो संख्या है, जिसके इधर भी दो संख्याएं ये क्रमागत का केस बता रहा हूं बच्चे केवल कॉन्जिक्यूटिव नंबर का तो इसके इधर भी दो संख्या इसके इधर भी दो संख्या तो उठाकर यही आपका एवरेज हो जाएगा यही आपका एवरेज हो जाएगा सात और यही तो निकाला था हमने यही तो निकाला था हमने अब तीसरा तरीका देखो तीसरा तरीका और वो यूनिवर्सल मेथड है बिल्कुल क्रमागत संख्याओं की जान है जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं क्रमागत संख्याओं की जान जो तरीका आपको सर जान जान बार बार बोलो चलो ठीक है क्रमागत संख्याओं का बढ़िया वाला तरीका आपको सिखाता हूं बच्चे बढ़िया वाला तरीका होता है क्रमागत संख्याओं का औसत क्रमागत संख्याओं का औसत क्रमागत संख्याओं का औसत क्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या होगा यह होगा बच्चे प्रथम पद फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम पद अंतिम पद और बटे दो ये क्रमागत फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू बीच का नंबर तो वो होता है वो होता है वो भी हम तरीका यूज करेंगे बहुत सारे सवालों में लेकिन प्रतिक्रमागत संख्याओं का औसत बच्चे आप याद रखेंगे कि प्रथम पद पद प्लस अंतिम बटे दो, ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज होगा तो यहां पर मैंने देखा कि पहला पद है तीन अंतिम पद है ग्यारह बच्चे दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा तीन प्लस ग्यारह बटे दो आंसर आ गया सात वही तो हम बहुत देर से निकालते ला रहे हैं, वही तो बहुत देर से निकालते ला रहे हैं और ऐसा नहीं है कि प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़कर बटे दो करो तभी आपका एवरेज मिलेगा मेरे शेर आप सेकंड, आप सेकंड संख्या को और सेकंड लास्ट को पहले से सेकंड, अंतिम से सेकंड, इन दोनों को भी जोड़कर बटे दो करोगे ना पांच प्लस नौ बटे दो करोगे तब भी आपको साथ ही मिलना है तो आप केवल इतना याद रखो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर संख्याओं का जो एवरेज होगा ना वो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या और बटे दो कर देना है। सर ये तो आपने जो सेंटर वाली संख्या निकालना सिखाया था ये तो पांच संख्या थी अगर संख्या चार हो अगर संख्या छह हो तो क्या करें दिमाग में सवाल आया होगा हंड्रेड परसेंट आया होगा तो वो भी करते हैं। जैसे यहां पर मैं थोड़ा सा इसको साइड में करता हूं थोड़ा सा साइड में करता हूं मैंने कहा मैंने कहा यहां पर मैंने संख्या लिख दी मैंने लिख दी छ आठ दस और बारह बच्चे क्रमागत तो ये भी है भाई क्रमागत तो ये भी है कॉन्जिक्यूटिव तो ये भी है छे आठ दस बारह तो सर एक तरीका तो ये है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा तरीका है कि प्रथम पद आपने किया छे प्लस बारह बटे दो कितना होगा बारह छे अठारह अच्छा, बटे दो यानी कि एवरेज आएगा नौ बहुत अच्छा है लेकिन सर आप उस तरीके से बताओ जो आप इसने इसमें बताया था कि सेंटर वाली संख्या यहां पर तो आपने सेंटर वाली संख्या को सटाक से पकड़ लिया था साथ यहां पर कैसे पकड़ोगे उस नौ को देखो मैंने कहा एवरेज एक ऐसी संख्या होगी जिसके इधर भी बराबर की संख्याएं हो इधर भी बराबर की संख्याएं हो इक्वल नंबर्स होंगे तो एवरेज हमारा कहीं यहीं पर रहेगा इधर भी दो संख्या इधर भी अब आप मुझे बताओ आठ और दस के बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या नहीं बता सकते हो आप मुझे भाई आठ के बाद और दस से पहले मैंने क्या कहा मैंने कहा आठ के बाद और दस से पहले तो केवल नौ ही ऐसी संख्या जो इनके दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है तो बीचो बीच वाली संख्या आप चार डिजिट जैसे मैंने कहा पांच छे सात आठ नौ दस ग्यारह ये है अब इनका एवरेज मुझे बता दो जल्दी से क्या होगा वैसे तो आप पहली संख्या और बाद की संख्या को जोड़कर भी बता सकते हो छह प्लस ग्यारह बटे दो लेकिन बीचों बीच वाली संख्या पकड़नी है मुझे तो मुझे तो बिल्कुल सेंटर वाली संख्या पकड़नी है बिल्कुल सेंटर वाली संख्या तो मैं कैसे पकड़ूंगा इधर भी तीन संख्या इधर भी तीन संख्या बच्चे एवरेज मेरा कहीं यहां पर होगा अब आठ के बाद और नौ से पहले कौन सी संख्या आती है बच्चे आठ के बाद और नौ से पहले तो आती है कौन सी ये आती है आपकी एट पॉइंट फाइव भाई साढ़े आठ ही तो आती है बिल्कुल बीचों बीच बिल्कुल बीचों बीच साढ़े आठ ही तो आती है साफ दिख रहा है आठ के बाद नौ से पहले बिल्कुल बीचों बीच साढ़े आठ आता है साढ़े आठ आता है आपका आंसर हो जाएगा एट पॉइंट फाइव बात खत्म बच्चे यहां पर एक चीज और लिख लेना इसके नीचे एक चीज और मैं यहां पर लिखवाना भूल गया आपको यहां पर और क्या क्या हो सकता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी यहां पर लिखेंगे के एम के प्रथम एन गुणक एम के प्रथम एन गुणक भी क्रमागत की श्रेणी में आते हैं सर ये क्या लिखवा दिया आपने एम के प्रथम एन गुणक एम के प्रथम एन गुणक का क्या मतलब है अभी मैं आपको बताता हूं एम के प्रथम एन गुणक का क्या मतलब है जैसे मैंने कहा कि तीन के प्रथम चार गुणक प्रथम चार गुणक का औसत गुणक का औसत अब तो जैसे इस तरह का सवाल आपको मिलेगा कि तीन के प्रथम चार गुणक का औसत तो तीन के प्रथम चार गुणक एम के प्रथम एन गुणक वही तो आ गया तीन के प्रथम चार बच्चे तीन का पहला गुणक क्या होगा तीन गुणा एक दूसरा होगा तीन गुणा दो तीसरा होगा तीन गुणा तीन और चौथा होगा तीन गुणा चार भैया तीन के प्रथम चार गुणक यही होंगे कि नहीं होंगे यही होंगे सर बिल्कुल यही होंगे तो भैया तीन, तीन तीन, तीन 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 मिल गई आपको पता चला तीन और तीन छीन नौ नौ और तीन, नौ, तीन बारह तीन तीन का डिफरेंस है तो एवरेज अगर मुझे निकालना है तो पहली संख्या और बाद की संख्या बटे दो कर दूंगा आ जाएगा साढ़े सात आ जाएगा साढ़े सात तो हर बार जब भी आपको औसत चाहिए किरमागत का तो आपका फोकस कहां पर होना चाहिए आपका फोकस होना चाहिए पहली संख्या पर और अंतिम संख्या पर बीच में क्या चल रहा है दुनियादारी में हमें कोई मतलब नहीं है हमारा फोकस पहली संख्या और लास्ट की संख्या पर रहना चाहिए हमें पहली संख्या चाहिए बाद की संख्या चाहिए बीच में क्या चल रहा है हमें मतलब नहीं है हमें तो आप पहली संख्या दे दो लास्ट की संख्या दे दो हम औसत निकालकर आपके हाथ में दे देंगे ये ले भाई औसत तेरा ठीक है तो आंसर कितना होगा साढ़े हो जाएगा एक सवाल मैं देता हूं आपको अब ये सवाल आप मुझे होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट बॉक्स में जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद तो बच्चे कल हम एवरेज को और आगे बढ़ाएंगे आज तो बिल्कुल बेसिक था कैसी रही क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का आंसर बताना कल एक बजे और थोड़ा सा एवरेज को इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ाएंगे मिलते हैं और हां अगर आपको कोई भी डाउट है अंकित सर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है बच्चे टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो में जब वीडियो खत्म होगी उसके आपके पिन करके मिल जाएगा है ना तो वहां से आप और अब भी पिन हो रखा है कमेंट में आप देखिए पिन है ऊपर वहां से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए अगर आप नहीं जुड़े हैं एक एक नोटिफिकेशन क्लास का अंकित सर द्वारा कोई भी चीज अनाउंस की जाती है उन बच्चों को सबसे पहले पता चलता है बाई वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू अंकित सर बिल्कुल डेली कांटेक्ट में रहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू बाय बाय जय हिंद